वर्कआउट करके आया, उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार मेरे को फाइनल कॉल आ जाए, उसके बाद मैं अच्छे से ब्लॉग को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आज का दिन पूरा का पूरा ना एंजॉयमेंट में जाने वाला था, अभी तक तो था ही है, क्योंकि हम उम्मीद में बैठे हुए हैं। जो प्रशांत का गिफ्ट था वो उन्होंने बोला था कि आज डिलीवर होगा, लेकिन वो अभी तक उसको ना कॉल आया है और ऑफिस में वो बंदा भी गायब है, तो सीन कुछ गड़बड़ा रहा है गाइस। ओ माय गॉड, उथल पुथल चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम बस वेट कर रहे हैं कि भाई एक बार वो आ जाए ताकि हम प्रशांत को गिफ्ट दें और फिर जाके हम सत्संग में जाएं और सेलिब्रेशन करें, मज़े करें आज। और हमारे आसपास में भी शायद भजन चल रहे हैं यार यहीं पे। 3 दिन से गिफ्ट का वेट कर रहे हैं। हाँ यार, इतना वेट करा दिया उसने यार, कल परसों कल और आज वो गायब ही हो गया। पागल, मुझे तो लग रहा है पैसे लेके भाग गया वो। नहीं यार भागेगा तो कहाँ, ऑफिस तो है ही ना उसका। इसने मेकअप करा था, ये देखो आईलाइनर कहाँ फैल रहा है इसका, काली कलूटी आंखें हो गई इसकी। तो क्या करूँ, इसने एसी चला दिया था सुबह मेरे बंद करने के बावजूद, तो मैं यूं करके सो गई, मुंह को वो हवा मेरी नाक में घुस गई, अब वो हवा पता नहीं पानी के रूप में बाहर आ रही है छी 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 करके। गर्मी हो रही थी भैया। और पता है ये कुछ बोल रही थी, सुन छी, अरे अब सुन छी, अरे सुन छी, चार बार बोली, चार बार छींक दी। तो फाइनली गाइस, खूब सारी माथा फोड़ी के बाद वो गिफ्ट उसका आ रहा है, पहुंच रहा है फ्लैट पे, वो सॉरी उसके घर पर। हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, सत्संग का भी टाइम हो चुका है, इतना वेट करा दिया, इतनी माथा फोड़ी हुई उससे, बट फाइनली आ रहा है। मैंने बोला चलो भैया आज छोड़ो, लेट हो रहे हैं, कल दे देना भैया, फिर तो मंडे आएगा। मैंने कहा भाई अभी लाओ, अभी लाओ, अभी लाओ। तो अभी हम सीधे जा रहे हैं प्रशांत के घर पे। ये लोग आधे तैयार तो यहाँ हो गए, आंटी लेके जा रहे हैं, आधे घर पे होंगे, मम्मी वगैरह सब तो बैठी है ना। ओ माय गॉड, हमारे सुरेश क्लोथिंग के कुर्ते में रेडी। भाई एक किसके लिए लेके जा रहा है? जानू भाई जान के लिए। अच्छा हाँ, गए नहीं थे क्या घर पे उनके? अरे एक कमरे का भाई, यही रेडी नहीं हुए। लाल प्रशांत को बाहर बुला रहा, आ गया भाई उसका। हाँ सबको बुला रहा। फाइनली प्रशांत का गिफ्ट आ चुका है। क्या है ये? क्या है ये? खुद ही डिजिटल बोर्ड है मेरे। फाइनली मेडली बोर्ड आ चुका है, जो इंग्लिश अब आपको रेगुलर इंग्लिश सीखने को मिल सकती है। इसकी मिठाई भी हम खिलाएंगे अब। अंकल मिठाई आज ही लाएंगे। इसकी अरे यार, ओए भैया वापस ले जाओ इसको। हां भाई काट कर भैया। अरे क्या चुप हो गए? बना बना वीडियो, बना जल्दी बना भाई, बंद कर भाई, बंद कर। अंकल आ जाओ, बनियान में चिल लग रही, खींचो जाओ। सर कैसा लगा ये? कुछ बोल रहे हैं ये, महंगा महंगा है पागले, सस्ता है, सबसे सस्ता वाला दिया है। पार्ट टाइम वाला जॉब मत दिखा यार, ये फुल टाइम होने वाला है थोड़े टाइम में तेरा। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, इतनी देर हो गई। तेरे मजदूरी का 250 250 250। तुम्हारा घर तो छोटा पड़ गया इसके लिए। तो ऐसा का घर में गिफ्ट कर दे। रोज तो रोता रहता है यार, मेरे को बोर्ड हो जाएगा ना, तो मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, बनाते रहो। अब नहीं आए तो मैं वापस ले जाऊंगा, अभी तो सत्संग में चलते हैं। ओके बाय गाइस, मैं जा रहा हूं, बाय। तो अभी प्रशांत और सूरज को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो ट्रैफिक वगैरह में अटके हुए हैं। आरती हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ गुटली को रेडी करने। छोटे छिकाना जी, छोनू बेटी, 1 साल में कितनी बड़ी होगी? साल भर भी नहीं होना चाहिए अभी अपने पहले वाले फंक्शन को। क्या चल रहा है ये? इधर है ना, इसको कृष्ण जी की तरह रेडी कर रहे हैं। छोनू लिपस्टिक बेटा है छोनू, ये देखो हमारे कान्हा जी को देख लो भाई। अरे प्रिय मेरी बेटी, नहीं सॉरी सॉरी। टीपू भैया आप नहीं आ पाओगे इसमें से? क्योंकि हमारा जो बोर्ड है जहाँ पर स्पीकर्स कनेक्टेड है वो खराब हो गया, उसको देखो देखो कौन सही कर रहा है। डैडी, ओ डैडी, आप बोर्ड भी सही करते हो? हो गया डैडी पक्का? हाँ एकदम, चेक करते हैं। डैडी यार शर्ट अच्छी लग रही है, हमने कहाँ से ली है? ये सुएस से लिया मैंने। क्यों अनु सही हो गया एकदम? यार डैडी यार, टीपू भैया सबने सुएस फैशन पहना, आपने नहीं पहना, इसलिए हम आपके लिए कुर्ता ला रहे हैं, पैरों और एक्सेल है, आपका नहीं आया। ऑल द बेस्ट टीपू भैया, चलो बाहर टीपू भैया।
हो गया फंक्शन, जय श्री राधे। एक बजे तक कौन कर, जय श्री राधे। एक बजे तक, पिछली बार 10 बजे बंद हो गया था, इस बार 10 तो नहीं बट 11 बजे तक हो गया था। हाँ ये ना कर, क्या होगा अभी घर बनानी, सुलाओगी कहाँ पे उनको? हाँ वहाँ एक हम एक घाट पे सो जाएंगे। मेरे दिल में भी जगह है, मेरे दिल में तो बहुत जगह है, घर में तो क्या बन जाए। मेरी छाती में आके सो जाओ। ये दो दो डब्बे कैसे ले जा रही हो आप? एक ही अलाउड है? अच्छा, एक मेरा, तेरा दिखा दिए एक बार। कपड़े खोल दे, कहाँ गई जी जी? हाँ इसको बहुत ही गर्मी लग रही है। ये दो से तीन कैसे हो गए? एक टेम्पो का हो गया ना यार, सात का कोई गिनती नहीं, जितना मिले उतना लेते जाओ। बाबा शाम के दरबार में खड़े हैं, ले जाओ बाबा श्याम दिए है, ले जाओ। ए माँ क्यों लाओ प्रसाद? मैं और इतना तो नाच रही और कितना नाचू? लाओ पीसा 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 तो वो बाबू दे लो। अरे यार थार गन बहुत है, ले लो प्रसाद, एक मेरा और एक पिछले का ले। तूने दो बार ले लिया मोसी लो। क्या हो रहा है ये? कैप्चर कैप्चर। हाँ और भाई प्रसाद, गाइस आप सभी लोग खाइए। अंकल अंकल अंकल, ऑडियंस ऑडियंस को खिलाओ, ऑडियंस को प्रसाद खाओ। मजे ले रहा है क्या? आ क्या? आ नहीं जा दाऊ जी, नहीं दाऊ जी आपको नहीं, जिसने कह दिया दाऊ जी आपको अलाउड नहीं मीठा। चेक कराऊ जी को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे आपके लिए तारीफ हुई, भयंकर काम बहुत है, भयंकर तारीफ, भयंकर आप भयंकर, मतलब मेरे को सूझ पे मत चढ़ाओ तुम तारीफ करके। अरे सुनो तो, आंटी ने बोला है कि अंकल का पता ही नहीं चला कि ये बच्चे हैं कि अंकल हैं, पहचान नहीं आए। दूसरा बोला आंटी ने, ऐसे बोले कि एकदम लौंडे लग रहे हैं। यार तुम कैसी बातें करते हो रे इतने बड़े बड़े आदमियों के सामने? अरे एकदम पतले स्लिम ट्रिम हो गए यार आप। बड़े कहाँ हो, सबके दोस्त बन जाते हो, बड़े कहाँ रह गए हो? देखो तो बच्चों में बच्चे बन जाना पड़ता है, अगर बच्चों में बच्चे नहीं बने तो फिर वो अपने साथ नहीं रखते। दोस्त बनना पड़ता है ना, बड़ों में बैठते हैं बड़े बन जाते हैं। अच्छी बात है, कम से कम आपसे शेयर तो करते हैं हमने मन की बात बच्चे। नहीं सारे बच्चे, ये बात कहनी पड़ेगी,
सारे बच्चे इनका जो ग्रुप है सारे बच्चे बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही सिंसियर है। बस कभी कभी अंकल के साथ छोटी मोटी पार्टी हो जाती है, चाय पार्टी बोल रहे हैं, चाय पार्टी। सारा सारा क्रेडिट एक बार भानु के लिए तालियां। भाई आज भानु ने वाकई में भानु काम में मजा एक नंबर यार, बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया, सब चीज बढ़िया थी। एक हरी आंटी को छोड़ के, हरी आंटी ने एक आंटी को डांस नहीं किया भाई। हाँ बिल्कुल डांस नहीं करा भाई, ये मैं पूछा था आंटियों क्या हो गया यार, आंटियों क्या हो गया, डांस नहीं कर रही, भारी लहंगा पहन के आ जाती है, फिर इतना सा करके बैठ गई। हाँ आजकल गुस्सा थोड़ा बहुत आता है तो आप पार्टनर हो इसको समझाओ ना, गुस्सा नहीं करता है। कब आता है तेरे को गुस्सा? गुस्सा वो हमारे पे करता है। नहीं हम शिकायत सुन रहे, बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा इतना गुस्सा करेगा ना तो अच्छी बात नहीं। वो हितेश ने क्या बोला था, हितेश क्या बोला था, हमें ना सुयश ब्रांड की ना बेल्टे बना रहे हैं, तो एक एक देकर जाएंगे आपको बेल्ट, तो बातचीत के लिए एक्स्ट्रा देके जाओगे ना अपने पुत्रों माने, जैसे आपका जो पुत्री है उसको पीटना पकड़ के, क्यों पीटना भाई, नहीं भाई पुत्रियों को तो नहीं, नहीं भाई देखो ये बात आईसी को पीटना, ये एक ही पीटने लायक एक ही है, तेरे लिए देके जा रहे हैं। हाँ लड़कों को तो जितना पीटोगे ना उतना सीधे रहेंगे वो, और लड़कियों को प्यार से समझो, समझ आपको बचपन में डांट पड़ी मार पड़ी है मेरे को? हाँ मेरे को पड़ी होगी, ध्यान नहीं है यार, ये बैठे मारने वाले पीटने वाले पूछो पतंगा का बारे में हो रही है नहीं छत से गिर गए थे चलो बाय गाइस, बाय 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 एवरीबॉडी बाय। देखो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 2:15, फंक्शन वगैरह सब खत्म हो चुका है और ये शायद 1 अगस्त से लाइटिंग स्टार्ट हुई है और ये हम अभी तक तो ऐसी कंटिन्यू लगा रहे हैं, कितना सुंदर लग रही है। और मैंने सच बताऊं तो मैंने भी आज पहली बार देखा, मैं आई नहीं इस साइड,